दिनों वर्ल्ड कप का फीवर हर तरफ चढ़ा हुआ है। फैंस अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए मंदिर मस्जिद चर्च में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो वहीं बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड फिल्मों पर भी क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है। बैली बैली, गेम, फोर्स टू और ब्लैकमेल जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके अभिनय देव भी इन दिनों एक्सपोज ड्रामा फिल्म लेकर आ रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का पोस्टर लुक शेयर किया गया। पोस्टर में लॉर्ड स्टेडियम में सौरव गांगुली टी शर्ट लहराते नजर आ रहे हैं, साथ में खिड़की से लड़की झांकती दिखाई दे रही है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि सौरव गांगुली और इस लड़की के बीच क्या कनेक्शन है। देश 1947 में अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ, लेकिन जिस दिन टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली ने 2002 में इंग्लैंड के लॉर्ड स्टेडियम में अपनी टी शर्ट लहराई, उस दिन हर भारतीय ने प्राउड फील किया। टीम इंडिया के इसी प्राउड मूवमेंट को अभिनय देव ने अपनी फिल्म में दिखाया है। अभिनय देव की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म दूसरा एक ऐसी लड़की की कहानी है जो लॉर्ड्स में टीम इंडिया के जीतने पर उस समय टीम के कैप्टन सौरव गांगुली को जोश में टी शर्ट लहराता देख इंस्पायर होती है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह क्रिकेट की इस एक घटना ने लोगों में एक अलग तरह का आत्मविश्वास भर दिया था। इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह लंदन के लॉर्ड्स के मैदान में कैप्टन गांगुली के टी शर्ट लहराने की घटना ने इंडियंस को प्राउड फील कराया। फिल्म दूसरा के बारे में डायरेक्टर अभिनय देव ने कहा, सौरव गांगुली ने एक दौर का अंत किया था। दौर था आत्मसमर्पण कर देने का। उनके केवल इस एक एक्ट ने हमारे लिए मिसाल साबित की और हमारी सोच में बड़ा अंतर आ गया। इस फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जो एक पारिवारिक परिवार में रहती है, लेकिन सौरव गांगुली से इंस्पायर होकर समाज की रूढ़िवादी सोच से लड़ती है। फिल्म में लिपस्टिक अंडर माय बुर्का फेम एक्ट्रेस प्लाबिता बोर ठाकुर और स्लम डॉग मिलियनेयर फेम एक्टर अंकुर विकाल लीड रोल प्ले कर रहे हैं। साल 2002 में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स के बालकनी में अपनी टी शर्ट लहराई थी। भारत नेटवर्क सीरीज जीत चुका था और सौरव गांगुली की टीम ने क्रिकेट में भारत के दबदबे का ऐलान कर दिया था। इसे इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक पल में भी शुमार किया जाता है। अब इसी जीत पर एक फिल्म बनी है जो फैंस के लिए बहुत खास होने वाली है। इस फिल्म में क्रिकेट पत्रकार, कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के इंटरव्यूज भी देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ समय में क्रिकेट पर बनने वाली फिल्मों का सिलसिला काफी बड़ा है। इमरान हाशमी ने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक फिल्म में काम किया था। वहीं डायरेक्टर कबीर सिंह 1983 में भारत के पहले वर्ल्ड कप जीतने पर फिल्म बना रहे हैं, जिसमें रणवीर सिंह क्रिकेटर कपिल देव का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ की शूटिंग इंग्लैंड में पूरी हो चुकी है। फिल्म दूसरा की कहानी और स्क्रीन प्ले की बात करें तो इसे एंग्लो दास ने लिखा है। फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मासा और रोहन सचदेव हैं। इसके अलावा साउथ की सुपरहिट स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जर्सी का भी हिंदी रीमेक बनने जा रहा है। जैसे इस साल 19 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, फिल्म में साउथ के एक्टर नैनी और एक्ट्रेस श्रद्धा श्रीनाथ ने लीड रोल प्ले किया था। 21 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 68 करोड़ का है। फिल्म को फैंस से अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद इसका हिंदी रीमेक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए शाहिद कपूर को कास्ट किया जा रहा है। HS न्यूज के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।